सूरजपुर जिले में अप्रैल माह की शुरुआत में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जहां ठंडे जिलों में शुमार, सूरजपुर जिले में तपती गर्मी ने दोपहर को लोगों को घरों पर रहने को मजबूर कर दिया है। जहां दोपहर की शुरुआत से ही तपती गर्मी से लोग हलाकान हैं, वह सड़कें भी सूनी होने लगी हैं। ऐसे में घरों से निकलने वाले लोग सड़कों के किनारे लगे गन्ना जूस जैसे दुकानों से ठंडक लेते नजर आते हैं। तो वही जिले के CMHO ने गर्मी के मद्देनजर जिले भर के स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में लू लगने जैसी दवाओं की उपलब्धता के निर्देश दिए हैं। साथ ही बताया कि इस गर्मी में लोगों को सीधे धूप से बचना चाहिए, वही शुद्ध पेयजल और पर्याप्त भोजन के बाद ही घरों से निकले। वही इस गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचने के टिप्स भी देते नजर आए। गर्मी तो भी और बढ़ेगा ना भैया, जो अभी पहले कुछ कम था अभी और ज्यादा होते जा रहा है। अब देखिए मई तक क्या होता है, काफी समस्या होता है। गर्मी तो एकदम बर्दाश्त से बाहर है एकदम। वो तो जगह जगह पे गन्ना जूस मिलता है तो अपन पीते हैं तो राहत मिलता है। अब गर्मी से बचने के लिए ही आपका सत्तू का लस्सी हो गया, गन्ना जूस हो गया, इस तरह हम लोग लेते रहते हैं। पाना हो गया, जैसे गर्मी का मौसम आता है उसके चलते जो है कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है, उसमें खास तौर से स्टेज प्रॉब्लम है और डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। साथ में उल्टी दस्त का भी फैलने का संभावना रहती है। इसके लिए हम लोगों के माध्यम से पूरे जिले में खंड चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि पर्याप्त मात्रा में जो ORS का पैकेट है उसकी व्यवस्था करें, साथ में एंटी मोटिलिटी दवा की भी पर्याप्त उपलब्धता हो, साथ में जल शुद्धिकरण के लिए ब्लीचिंग पाउडर की भी उपलब्धता अपने अपने स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में कर लें। और जैसे पीलू से बचने के लिए मुख्य तौर पे जो काम है वो सुबह के टाइम में ज़्यादातर काम कर लें। दोपहर में यदि आवश्यकता नहीं है तो दोपहर तेज धूप में ना निकलें, और यदि मान लीजिए निकलते भी हैं तो पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेकर के निकलें और अच्छे से नाश्ता खाना खा कर के निकलें ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, और साथ में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था अपने साथ लेकर के चलें। और सिर को ढकने के लिए जो साफी आता है उसका उपयोग कर सकते हैं, छतरी का उपयोग कर सकते हैं।